शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में कुछ ऐसा बयान दिया था, जनसंख्या नियंत्रण के कुछ ऐसे तरीके बताए थे जिसके बाद बिहार की सियासत में अचानक तूफान आ गया था। खास तौर पर महिला विधायक जो एनडीए के हैं उनमें भारी नाराजगी देखने को मिली। सत्र का तीसरा दिन आज है, आज भी हंगामा बरपा हुआ है और सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, जबकि नीतीश कुमार ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है। हमारे साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता है चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी, जब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है तब फिर इतनी हाथों मचाने की जरूरत क्या है? देखिए आशुतोष जी, माफी का उद्देश्य अब नीतीश कुमार जी का क्या है, चूंकि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। विधानसभा में आप जिस तरीके से आपने एक अशोभनीय बात को कही, उसी बात को विस्तार पूर्वक आप विधान परिषद में कहते हैं, तो ये देश में नहीं, मतलब आप समझिए कि बिहार के इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं की निंदा की है। और इस पर देखिए, मुख्यमंत्री जी को अब त्यागपत्र दे देना चाहिए, चूंकि उनका जो एक मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति अब हम लोग को देखने से जो समझ में आता है कि वह स्वस्थ नहीं है। चूंकि इससे पहले भी, अगर आशुतोष जी आप तो वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार हैं, आप जब देखिएगा तो तकरीबन काफी पहले से मुख्यमंत्री कुछ सार्वजनिक स्थलों पे इस तरीके का काम करते हैं, अपने चीफ सेक्रेटरी को कभी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर देते हैं, कभी जनता दरबार में किसी जनता को कहते हैं कि नीतीश तो इस धरती पर पहले मेरा ही नाम हुआ है, उसके बाद में ये प्रचारित हुआ है। उसके बाद में आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी तरह तरह का बयान देते हैं। अभी 4 दिन पूर्व में जब स्वर्गीय महावीर चौधरी जी का पुण्यतिथि था, उसमें अशोक चौधरी के ऊपर फूल छिड़कते हैं, कभी अशोक चौधरी के गर्दन में झूल जाते हैं, कभी पत्रकार से उनका माथा लड़ाने लगते हैं। और सभी जो ये घटना हो रही है ये सार्वजनिक जगह पे हो रही है, तो हम लोग भी राजनीति के विद्यार्थी हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो अभी स्वस्थ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और देखिए, बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत लोग सबल है और प्रबुद्ध है, यहाँ के चाणक्य भी थे तो वो कहते थे कि भाई जो राज्य का जो राजा होता है उसको शक्तिशाली, बुद्धिमान और क्रियाशील तो होना ही चाहिए, अगर इसमें अगर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि वहां का प्रजा जो है वह सुरक्षित नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है आशुतोष जी। नहीं, आप उनके इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं या उनके तरीके पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो कहा जाता है कि खुला फटा पोस्टर निकला हीरो, ये तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी सिर्फ ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये उनके अंदर का बात है, जो जैसे वो हैं ऑन कैमरा नहीं ऑफ द कैमरा, नीतीश कुमार जी ऐसे ही हैं, तभी वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतने निचले स्तर पर आकर कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे बयान नहीं दे सकता है, अभी उदाहरण हम लोग के पास कोई भी मौजूद नहीं है। हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे कि जब एनडीए की सरकार के वो मुखिया थे तब भी उन्होंने विधानसभा में मतलब इतने डिफाइन नहीं किया था इस तरीके से, लेकिन ऐसा ही इसी आसपास में एक बयान दिया था, लेकिन तब तो आप लोगों ने इस्तीफा की मांग नहीं की। अगर उनका उनका बयान अगर गलत नहीं रहता तो नीतीश कुमार कभी भी भूतो भविष्य माफी नहीं मांगते। माफी मांगने का मतलब है तो इसको तो एप्रिसिएट करना चाहिए ना कि उन्होंने गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने का उनका उद्देश्य है कि एनडी गठबंधन जो है, अब उनको वो संयोजक बनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष के तरफ से बनना चाह रहे थे, तो इसमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई इसमें चूक हो सकती है, तो तुरंत आकर वो माफी मांग रहे हैं। देश की महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। मतलब, और देखिए, मतलब कोई डायलॉग आप सुनते हैं ना, सी ग्रेड के फिल्म का कोई डायलॉग आप सुनते हैं क्या? आप अपनी बहन और बेटी के सामने सुन सकते हैं? आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप टेलीविजन जब देखते हैं तो क्या कॉन्डोम का प्रचार आता है तो आप अपने परिवार के साथ सहज महसूस करते हैं क्या? नहीं, आप एक सभ्य समाज में रहते हैं और इस तरीके के किसी भी बयान का
ना आप समर्थन कर सकते हैं और ना इस पर आप सहज महसूस कर सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का सीधे दिखाता है कि तानाशाह रवैया है, और ये जो कह देना चाह कहते हैं वो इनको लगता है कि ब्रह्मा की लकीर है। और हमको लगता है कि जो कुछ दिन से जो एक चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री का जो जो याददाश्त है वो कमजोर होने लगा है, क्या बोलते हैं देखकर भी भाषण नहीं पढ़ पा रहे हैं, कई जगह कई सभाओं में हम लोग देख रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है। चलिए इसी बहाने, और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका देखिए, विधानसभा के जो कस्टोडियन होते हैं आशुतोष जी, वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और मुख्यमंत्री के इतने अशोभनीय बयान पर भी कुछ रिएक्शन ना आना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र तो विधानसभा के अंदर में बची ही नहीं है। अब तो इन पे कार्रवाई की बात होनी चाहिए थी, इन पे कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष को करनी चाहिए थी, लेकिन चापलूसी में जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका आज भी हमने देखी, वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण था, और भविष्य में हमको नहीं लगता है कि आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी को कोई अनुसरण करेगा। यही आरोप तो आरजेडी वाले जब विजय सिन्हा थे तब भी विजय सिन्हा बोले, विजय सिन्हा का आदरणीय विजय सिन्हा मुख्यमंत्री जी के सामने खड़े होकर उनको लताड़े थे, मुख्यमंत्री जी को लताड़े थे भरी विधानसभा में, आपको अगर याद होगा। तो गलत बात का बराबर विरोध करना चाहिए, वो चाहे कितना भी शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी क्यों ना कर रहा। अच्छा, मुझे एक बार और क्लियर कर दीजिए कि ये जो माफी मांगी है उन्होंने, ये माफी मांगने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया इसलिए माफी मांगी है उन्होंने, या फिर INDIA में कहीं वो संयोजक ना बन पाए, PM कैंडिडेट ना बन पाए, या फिर वो हाशिए पर चले जाए, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने माफी मांगी है? देखिए, कई बार सार्वजनिक ऐसे बयान नीतीश कुमार जी के आए हैं जिसमें अमर्यादित शब्दों का प्रयोग ये लगातार करते आए हैं, तुम ताम रे और उस तरीके के बहुत सारे नेताओं पे उनका इस तरीके का बयान आया है। लेकिन आज की जो माफी है वह राजनीतिक माफी है, क्योंकि वो अब वो जानते हैं कि पूरे देश का नेतृत्व विपक्ष का अगर करना है तो हमको तुरंत अपनी गलती को स्वीकार करनी चाहिए। और देखिए, इनके गठबंधन के किसी नेता ने पूरे देश में विपक्ष का जो इंडिया नाम का जो ये लोग गठबंधन बनाए हैं, इसके कोई वरिष्ठ नेता पूरे देश भर में किसी ने भी नीतीश कुमार का आपके नेता अगर इस तरह का कोई बयान अगर गलती से निकल भी जाए तो आप लोग भी तो डिफेंड करते हैं ना, आप लोग तो यही कर्तव्य है। कभी नहीं, हमारे नेता देखिए एक आदरणीय नीतीश कुमार जी ही 75 के नहीं हुए हैं, ये देश में काफी लोग हैं, लेकिन किसी की मानसिक स्थिति इनके जैसी नहीं हुई है कि कुछ भी आप बोल दीजिए, और कितने डिटेल में बोले हैं, इशारों में बोले हैं, और उनके पीछे विधानसभा में जब वो बोल रहे थे उनके पीछे आदरणीय लेसी सिंह जी थी, वो सर अपना नीचे झुका ली। उन्होंने कहा है लेसी सिंह के स्टेटमेंट आया है कि बिल्कुल मैंने सर नहीं झुकाया था, लेसी सिंह जी का उनके कैमरा में दिखाई दे रहा है, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन अब उनकी राजनीतिक मजबूरी है, उनके आका मतलब है। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार बार बार ऐसा नीतीश कुमार से क्यों हो जा रहा है? हमको ऐसा लगता है कि कुछ उच्च कोटि का जो जड़ी बूटी का सेवन ये करते हैं वो कुछ जरूरत से ज्यादा ले ले रहे हैं, इसलिए वो बैलेंस जो है उनका वो बन नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उनको डॉक्टरी परामर्श की जरूरत है, क्योंकि काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। और चंदन जी चिराग पासवान का आज ही रिएक्शन आया है इसी मुद्दे पर, और उन्होंने भी डॉक्टरी परामर्श के संबंधित ही बयान दिया है और कहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और हमें उनकी फिक्र है। चलिए, कम से कम इस मुद्दे पर आपकी पार्टी भी चिराग पासवान या फिर आपकी पार्टी में भी समानता है कि दोनों इस मुद्दे पर एक ही राय जरूर रखते हैं। समाज में कोई भी यही कहेगा, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी जितना अपना कहा जाता है कि यश कमाए थे, क्योंकि कहा जाता है कि मर्यादित बयान देते हैं, लेकिन एक अमर्यादित बयान देकर ये जितना 20 25 30 साल में जो कीर्ति जो इन्होंने अर्जित की थी सब इनका नाश हो गया। अब आप लोग कब जाकर रुकेंगे, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, या फिर ये
चलता ही रहेगा, ऐसा ही हंगामा शोर प्रदर्शन। हम अपनी पार्टी की ओर से कह सकते हैं कि इनको अब राजनीतिक अवकाश लेना चाहिए, और अब इस योग्य नहीं है इस बयान के बाद कि यह मुख्यमंत्री जैसे पवित्र कुर्सी पर बैठ सके, चूंकि इनका न मन स्वस्थ है न तन स्वस्थ है, इनको अब इस्तीफा देना चाहिए और बिहार को अब चुनाव में चलना चाहिए, इनको बिहार विधानसभा भंग करके चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांग है, आपकी जो अपील है, आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही है, सीएम नीतीश कुमार हो जरूर सुनेंगे और कुछ न कुछ सुने, या फिर केंद्र सरकार सुने। और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए, चूंकि राजा निरंकुश हो गया है, तो जब राजा निरंकुश हो जाता है, अब बताइए कि इसी बिहार में ये गृहमंत्री भी हैं, अपराध बढ़ा हुआ है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, बलात्कार बढ़ा हुआ है, हर चीज, और नीतीश कुमार जी इस पर कोई इनका टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो बेफजूल की बात है उस पर इतना मैंने, लेकिन आप लोग एक बात तो पकड़ लिए हैं, इतनी नौकरी बांट रहे हैं, इतना विकास का काम कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं आशुतोष जी, कि 15 साल राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा, 17 साल आदरणीय नीतीश कुमार जी का रहा, 32 साल से शासन कर रहे हैं, और बिहार कि जो साक्षरता दर है, जो अभी जातीय सर्वे और सिर्फ आप नीतीश कुमार को ठिकाना फोड़ देते हैं, इनमें से कई साल आप लोग भी सहयोगी में रहे, शासन में रहे, साथ में रहे। सुनिए ना, 7% लोग ही ग्रेजुएट किए हुए हैं, तकरीबन 35% लोग बिहार में गरीबी रेखा के नीचे है, इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? तो आप ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने इतने पीछा छोड़, इतना पिछड़ा बना दिया था, इतना पीछे देश को ले गए थे कि हमको आगे बढ़ाने में समय लगेगा, तो नीतीश कुमार को भी जब सत्ता मिली थी तब भी ये स्थिति नहीं थी, तब क्या 7% था क्या ग्रेजुएशन ग्रेजुएट यहाँ पर, तब बेहद कम था, 2-3% के आसपास था, इस समय बढ़ाया गया है, उनके 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 रीजन में ये तेजी से बढ़ता जा रहा है, उनके रीजन में देखिए, वो 50 साल पहले शिक्षा ग्रहण किए आशुतोष जी, और अभी के जनरेशन जहाँ की इंटरनेट यूट्यूब से लेके फेसबुक लाइव से लेके हर चीज उपलब्ध है, क्या आज के बच्चों के पास बेहतर सेक्स एजुकेशन नहीं है जो आदरणीय नीतीश कुमार जी देने का प्रयास किए इतने वल्गर बातों के माध्यम से? क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी को सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट नहीं करना चाहिए था, या उनका बयान को जिस तरीके से उनके मंत्री डिफेंड कर रहे हैं यह उचित है? आदरणीय नीतीश कुमार जी देखिए, हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, हम लोग चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से कुछ परेशानियां उनके नहीं, साथ तो है, यही वजह देखिए, नीतीश कुमार ने इस बात को रियलाइज किया, उन्होंने माफी भी मांग ली है, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि अब इस चैप्टर को क्लोज करके अब फिर चुनाव में जाना है, जनता जिसको मैंडेट देगी वो चुने। नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, बिहार का मुखिया अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेगा वह बिहार को कभी भी प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकता है। नीतीश कुमार जी को देखिए, बिहार के प्रगति पर बात करना चाहिए, वो जाति पर बात कर रहे हैं। अब जाति का ढकोसला इंडी गठबंधन में इतना ज्यादा है कि आप दूसरे का जाति खोजने चल रहे हैं, जाति ढकोसला करते हैं, लेकिन आप लोग मजबूरन समर्थन भी करते हैं, आपके रीजन में ही जाति गणना की बात हुई थी और फाइनल हुआ था कि जाति गणना कराई जाए, सर्वे कराया जाए। नीतीश जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो समाज में बहुत पिछड़ा रह गया है, जो बहुत शोषित है, उसके लिए कुछ योजनाएं बने, जबकि आपको पता है कि देश जब से आजाद हुआ है तब से पिछड़ा कई योजनाएं, बहुत सारी बातें हैं जो कि जब होगी तो बहुत दूर की बात होगी, कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उसके लिए इतना सारा केंद्र सरकार फंड देता है, वो पैसा कहाँ जाता है, जहाँ मतलब कि इस समाज आप इतने फंड की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं केंद्र सरकार मदद ही नहीं कर रही है, जिस वजह से केंद्र सरकार तो जितनी बिहार में योजनाएं आशुतोष जी देखिएगा उसका आप 70% आप देखिए केंद्र सरकार ही दे रही है। ठीक है, चलना चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।